नमस्कार। डॉक्टर उज्जवल पाटनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है सफल वक्ता सफल व्यक्ति। इसका अगला टॉपिक वक्ता के सात गुण। इंग्लिश शब्द स्पीकर SPEAKER से ही इसकी बेहतर व्याख्या की जा सकती है। एस का अर्थ है यहाँ पर स्टिमुलेटिंग, उत्तेजना पैदा करने वाला, जिसकी बातें मन में नया रोमांच और उत्तेजना पैदा करती है, जो जीवन और लक्ष्य के प्रति उमंग पैदा करता है, जो सोचने के लिए मजबूर करता है और इस मशीनी जीवन में नए रंग भरने की क्षमता रखता है। पी पॉजिटिव सकारात्मक, जिसके विचार हमें ऊंचाई और जीत की ओर ले जाते हैं तथा निराशा में आशा का संचार करते हैं, जो हर कठिनाई में एक अवसर दिखाता है, जो हमेशा पीठ थपथपाता और प्रेरणा देता है, जो समस्याओं से विचलित न होकर अपने समाधान की बात करता है और निराशा के लक्षणों में हम उसकी ओर आशा भरी नज़रों से देख सकते हैं, जो अपने साथियों और अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें नए लक्ष्य प्राप्त करने को प्रेरित करता है। ई इफेक्टिव यानी कि प्रभावित, चाहे उत्पाद बेचना हो, प्रेरणा देनी हो, परीक्षा देनी हो, कहीं भी किसी भी रूप में जो प्रभावी बोलने वाला व्यक्ति होता है वह सुनने वालों को प्रभावित कर देता है। वह अपनी भावनाओं को बेहतर शब्द देता है और सुनने वालों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। ए इनकी एम फूल लक्ष्यवान, जिनकी बातों में छुपा हुआ या स्पष्ट सा कोई लक्ष्य हो, जिनकी बातें उस लक्ष्य पर केंद्रित हो, जो अपनी बातों से अपने स्पष्ट लक्ष्य उसे प्राप्त करने की योजना और अपने सपने दूसरों तक पहुंचाता हो। के नॉलेजेबल ज्ञानवान, जो अपने विषय पर पूर्ण अधिकार और ज्ञान से अपनी बात कहते हैं, जो बात कहने के पूर्व तैयारी करते और क्या कहना है इसका उन्हें ज्ञान होता है। ई इंटरटेनिंग रोचक मनोरंजन, जिन्हें लगातार सुनने पर भी श्रोता बोर न हो, जिनमें अपने शब्दों से श्रोताओं को हंसाने की चकित कर देने वाली या कर देने की या रुलाने की क्षमता हो। आर रेशनल विवेकशील तर्कशील, जो समय पद कार्यक्रम श्रोता और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे विवेक से अपनी बात कहता हो, जो कुछ भी कहने से पहले विवेक और तर्कों की कसौटी पर खुद को परखता है। इसमें से अधिकांश गुण जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है, सिर्फ मंच पर बोलने के लिए ही नहीं, वरन सामान्य सामाजिक जीवन में गुण आपको सामान्य से विशिष्ट बना सकते हैं। परिवार में माता पिता या पिता के रूप में, स्कूल में शिक्षक के रूप में, ऑफिस में बॉस के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, हर जगह हर पल आपको एक वक्ता की भूमिका निभानी पड़ती है। इन गुणों का कुछ प्रतिशत भी आपको विशिष्ट बना सकता है। दोस्तों, ये सफल वक्ता सफल व्यक्ति उज्जवल पाटनी द्वारा लिखित पुस्तक, और हमने इस वक्ता के सात गुण जाने हैं। और अगला वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, असफलता और भय का प्रमुख कारण है अधूरी जानकारी। सुनना न भूलिए। धन्यवाद।